जो भी स्टूडेंट 2020 में बीसीसी 2020 का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आता होगा कि हम किस सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर से तैयारी करें कि उसी चैप्टर से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए और हम उसका आंसर देके बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाए और हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो हाय गाइस, आई एम अमरदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर द ब्लॉग्स एंड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीसीसी 2020 के बारे में कि वो आपसे किस सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है उसका पता आप कैसे करें। जी हाँ, आप खुद पता कर सकते हैं, मेथड सिर्फ मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे पता करना। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आप वहाँ खुद देख पाएंगे कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ईजी हो जाएगा आपको तैयारी करने में भी। और एक बुक का मैं और लास्ट में आपको सजेशन दूंगा कि आप वो बुक लेके तैयारी करें। अगर आपको बीसीसी 2020 का बुक अगर नहीं मिल रहा है तो अगर वो भी बुक मिल रहा है तो उससे आप तैयारी करें, वो भी बहुत अच्छा बुक है क्योंकि सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, चाहे स्कोप अलग हो, ठीक है, क्वेश्चन एक ही जैसा आना है, ठीक है। तो चलते हैं बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सब देख पा रहे होंगे मैं गूगल पे हूँ, गूगल पे मैं सर्च करूँगा बीसीसी लिखना है, उसके बाद गो कर देना है। उसके बाद मैं बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बीसीसी 2020। तो हमें करना है इसे टैब, तो करते हैं टैब। उसके बाद हमें आना है यहाँ इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन को फिर टैब करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, तो मेरा तो डाउनलोड हुआ है तो मैं डाउनलोड यहाँ से मैं कर लूँगा, तो मेरा डाउनलोड ऑलरेडी हो रखा है। और उसके बाद आप देखें इस तरह का पीडीएफ आपको मिलेगा और इसमें टोटल जो है 51 पेज हैं, तो 51 पेज हैं। तो उसके बाद हमें नीचे आना है, इसमें बहुत कुछ दिया है, आप पढ़ सकते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ, मतलब ऑल टू ऑल डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। कॉलेज वॉलेज सब के बारे में बता रखा है कि कितने कॉलेज हैं, किस किस में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो हम नीचे आएंगे, कैटेगरी ये सब दे रखा है, नीचे तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मा के बारे में दे रखा है, कितनी सीट्स हैं, तो इसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर हम आए हैं पेज नंबर 22 में दिया हुआ है फर्स्ट फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे ऊपर में पढ़ें बीसीसी 2020 के लिए मार्गदर्शक संकेतिक पाठ्यक्रम, तो फर्स्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स से हमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स से किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे चैप्टर नेम दे रखा है लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे सब चैप्टर के नेम्स दे रखे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम्स ईटीसी, बहुत सारे जो जो हैं चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, सब चैप्टर्स हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप फिजिक्स का यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम तक लास्ट हो जाता है फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा जाएगा, इसी तरह बहुत सारे इसमें भी हैं चैप्टर्स, सॉल्यूशन से पूछा जाएगा और डी वी एंड एफ ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक्स हैं, अल्कोहल्स है, फेनॉल्स है, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें भी हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं पॉलीमराज हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे चैप्टर्स इसमें भी दिए हुए हैं। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद अब आया है मैथ, तो मैथ में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे किस किस से मैथ में भी देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के नेम दे रखे हैं, इसी चैप्टर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बहुत सारे मैथ के भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलजेब्रा, ये सब दिया हुआ है कि किस मैथ से भी किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी बहुत सारे यहाँ पे चैप्टर्स के नेम दे रखे हैं,
आप चैप्टर्स के नेम पढ़ सकते हैं और उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ नीचे और आने के बाद लास्ट ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में ये लास्ट हो जा रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर्स के हैं, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेट्रोलॉजी, ये सब बहुत सारे इसके भी जो चैप्टर्स के नेम दे रखे हैं और ये आप जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके ये जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लें और इसमें बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा था जानकारी इसके बारे में। तो अब बात करते हैं बुक के बारे में। तो मैं जिस बुक का सजेशन आपको देने वाला हूँ वो बुक है बीसीसी का बीएससी एग्रीकल्चर का बुक है। तो वो बुक आप लें और उसका सामने फ़ोटो भी आ रहा होगा, ये फ़ोटो है। और अगर आपको बीसीसी 2020 का मेडिकल का बुक नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर का बुक लेके आप उसका तैयारी करें, उससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लड़ जाते हैं और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, आप देख सकते हैं अंदर का भी मैं फ़ोटो आप इसको दिखा रहा होगा, इसका दिया होगा कि सब्जेक्ट वाइज बांटे होंगे और उसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है, जो जो चैप्टर, तो वो चैप्टर से आप स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप जितना दिमाग में डाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर और आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाइएगा। तो ये बुक भी ले सकते हैं, मेरा सजेशन है आप इस पर, क्या आपके ऊपर है आप लें या ना लें। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।